हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनुपम देव ऑफिशियल में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास है Realme Buds Wireless 2। इसकी जो लॉन्चिंग थी वो अभी रिसेंटली हुई है। दोस्तों ये प्रोडक्ट लगभग मुझे 5 डेज पहले ही मिल गया था, इसे 5 डेज तक मैंने यूज किया है। अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और दोस्तों आपको बताऊंगा इसकी कॉलिंग क्वालिटी, बेस क्वालिटी, और दोस्तों साउंड की क्वालिटी, और आप इसे गेमिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और लास्ट में आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि आपको ये परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर दोस्तों आपको इस ईयरबड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा। तब भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है anupamdev9898, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से बॉक्स को कर लेते हैं अनबॉक्स। दोस्तों सबसे पहले बॉक्स को देखेंगे, बॉक्स के फ्रंट में आपको Realme की ब्रांडिंग दिख जाएगी, Realme Buds Wireless 2, और दोस्तों नीचे नेक बैंड की आपको एक पिक्चर मिल जाएगी। बॉक्स के पीछे की तरफ आते हैं दोस्तों, पीछे की तरफ आपको इसके बहुत सारे फीचर दिख जाएंगे, वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, मतलब Realme का दावा है अगर आप कहीं ट्रैफिक वगैरह में जाते हो और कॉलिंग करते हो तो ये कितनी नॉइस कैंसिल कर पा रहा है। सोनी LADC हाई रेसिस्टेंस ऑडियो, दोस्तों इसके बारे में भी आपको आगे बात करेंगे वीडियो में। 10 मिनट चार्ज फॉर 12 आवर प्लेबैक, Realme का दावा है अगर आप इसे 10 मिनट तक चार्ज करते हैं तो इसमें 12 आवर तक आपको प्लेबैक मिल जाएगा। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितना प्लेबैक आपको मिल रहा है। 13.6 mm बेस्ट बूस्ट ड्राइवर, 22 आवर टोटल प्लेबैक। Realme ये भी बोलता है अगर आप इसे फुल चार्ज करोगे तो 22 आवर तक आप इसे प्लेबैक कर सकते हो। 88 ms सुपर लो लेटेंसी, लेटेंसी मतलब होता है जब आप कभी गेम खेलते हो तो गेम में जो वॉइस होती है वो आगे पीछे हो जाती है, लेकिन इसमें 88 ms सुपर लो लेटेंसी दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी लेटेंसी इसमें मिल जाती है। एक छोटा सा गेम प्ले भी करके देखेंगे कि इसमें जो लेटेंसी है वो कितनी हमें फील हो रही है। तो आप जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके साथ मुझे क्या क्या मिल जाता है। एक यूज़र गाइड आपको मिल जाएगा, और दोस्तों एक चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मुझे लग रही है, और दोस्तों टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों इसकी केबल की क्वालिटी की बात करूँ तो केबल भी काफ़ी अच्छा आपको दिख रहा है। और दोस्तों इसके साथ मुझे 4 ear tips मिल जाते हैं, इस तरीके के ईयर टिप्स आपको मिल जाते हैं। दोस्तों अब आते हैं अपने नेक बैंड की तरफ। दोस्तों मैंने अपने नेक बैंड को बाहर निकाल लिया, जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों ब्लैक और येलो कलर इस पर काफ़ी सूट कर रहा है। अब दोस्तों अपने ईयरबड की तरफ आते हैं, ईयरबड दोस्तों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पीछे की तरफ आपको ग्लॉसी दिख जाएगा, सामने का पार्ट दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा है, और दोस्तों आपको 2 extra ear tips और मिल जाते हैं इसके साथ, और यहाँ पर आपको मैग्नेट मिल जाएगी। दोस्तों मैग्नेट इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। केबल की बात करूँ तो दोस्तों काफ़ी केबल भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है। और दोस्तों पीछे की तरफ आते, पीछे की तरफ ये सिलिकॉन से बनाया गया जो काफ़ी सॉफ्ट है, आप अपने गले में डालोगे तो इरिटेट तो नहीं होने वाले हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको Realme की ब्रांडिंग दिख जाएगी, और इस तरफ आपको वॉल्यूम मिल जाएगा प्लस और माइनस का, यहाँ से आप अपने नेक बैंड को ऑन ऑफ कर सकते हो और यहाँ से अपनी लेटेंसी को कम कर सकते हो। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ, इसे आप अपने एक Realme लिंक करके ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से, उससे आप इस नेक बैंड को पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर आप Realme लिंक से इसे कस्टमाइज करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों। और दोस्तों आप उससे आप वॉल्यूम को और इसकी जो लेटेंसी है
उसको और बेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको मैं बोलता हूँ, आपको अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आपको ये Realme Link डाउनलोड करके इसे यूज़ करना है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब दोस्तों इसकी जो साउंड की क्वालिटी है वो भी चेक कर लेते हैं, इसकी जो साउंड की क्वालिटी है और बेस किस तरीके का है। तो दोस्तों देखा आपने इसकी अनबॉक्सिंग, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसके ईयरबड हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। दोस्तों मैं आपको अपने ईयर में पहन के दिखाता हूँ, ईयर में जब मैंने पहने तो इसका लुक भी दोस्तों काफ़ी अच्छा आ रहा है, एकदम प्रोफेशनल लुक लग रहा है। और दोस्तों अगर आप कहीं वॉक वॉक पे जाते हो तब भी ये निकलने वाला नहीं है, काफ़ी अच्छी इसकी फिटिंग मिल जाती है। और दोस्तों आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करते हैं इसकी जो साउंड की क्वालिटी की। दोस्तों साउंड इसका इतना धमाकेदार है, अगर आप एक बार सुनोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों इसे मैंने लगभग 5 डेज तक यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे रहा। अगर आप 2000 के अंडर में कोई नेक बैंड परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसकी जो बेस है ना वो इतना ज़्यादा है जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कहीं किसी डीजे की वॉइस आप सुन रहे हो, काफ़ी अच्छी आवाज़ है। और दोस्तों इसकी कॉलिंग क्वालिटी की बात कर लेते हैं, कॉलिंग क्वालिटी इतनी बढ़िया है, जब मैं ट्रैफिक में गया तो ट्रैफिक में जब मैंने इससे कॉलिंग की तो बाहर से बिल्कुल भी इसमें नॉइस नहीं आ रही थी, काफ़ी अच्छे से मैं कॉल कर पाया। और दोस्तों गेमिंग के दौरान ज़्यादातर नेक बैंड में लेटेंसी फील होता है, लेकिन जब मैंने इसे BGMI का एक टेस्ट किया, काफ़ी देर तक मैंने इसे गेम प्ले किया तो जो लेटेंसी वो माइनर थी, बिल्कुल भी माइनर, तो नॉर्मल लग रहा था, काफ़ी अच्छा ये गेम के लिए भी, अगर आप गेमिंग करते हो तो गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा ये नेक बैंड रहेगा। ऑलमोस्ट सारे नेक बैंड को इसने बीट किया है, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आपको ये परचेज जरूर करना चाहिए, काफ़ी अच्छा नेक बैंड है। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू के वीडियो मैं अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।